हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में ये एरर आ रहा है, यूएसबी पेन ड्राइव इजेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं तीन मेथड बताने वाला हूँ, तो आप जो है फर्स्ट मेथड फॉलो कीजिए। आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं टास्क मैनेजर ओपन हो गया है। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल करना है, यहां पर लास्ट तक आप स्क्रॉल कीजिए, फिर आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर यहां पर शो हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर रीस्टार्ट हो गया है। उसके बाद अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर स्टक हो गया है यहाँ पर रीस्टार्ट करने के बाद, तो आपको यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक कर रन न्यू टास्क के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। सेकेंड मेथड, आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। विंडोज़ के सर्च बार में टाइप कीजिए डिवाइस मैनेजर, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में शो हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यूनिवर्सल सीरियस बस कंट्रोलर, तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर शो हो जाएगा यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस, तो आप इसको राइट क्लिक कर यहां पर से अनइंस्टॉल डिवाइस के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको अनइंस्टॉल कीजिए, फिर आप यहां पर देख सकते हैं अनइंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। थर्ड मेथड, आपको जो है कंट्रोल पैनल ओपन करना है। सर्च बार में टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल, ओके। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कंट्रोल पैनल शो हो गया, तो आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहां पर वीव डिवाइस एंड प्रिंटर, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, और आपको यहां पर पेन ड्राइव शो हो जाएगा। तो आप जो है उसको राइट क्लिक कर यहां पर रिमूव डिवाइस के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका पेन ड्राइव जो है रिमूव हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास भी विंडोज़ पीसी में पेन ड्राइव इजेक्ट नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।